हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन्नी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो में, जो कि वीडियो लेके आए हैं पिक्सल रैम्बो कंट्रोल के बारे में। जैसे कि बहुत सारे कमेंट किया, सर जो रैम्बो कंट्रोल है आपका वो कैसे लगता है और कैसा कनेक्शन वायरिंग होगा, कैसे दिखेगा और जो डेटा वायरिंग कैसे मिलाएंगे। तो आज वीडियो में लिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हमको दिखाएंगे कैसे इसको लगाएंगे, कैसे इसकी वायरिंग कैसे की है और जिसका स्ट्रिप किस कौन सा आईसी ये 28-12B लगाएंगे 5 वोल्ट के। और जो सीट है मैंने सीट पे सारे सर्कल ड्रॉ करके मैंने लगाया, हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाया। और वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा, जो चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि पिक्सल आइटम्स रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। और कुछ आपको इस रिलेटेड में कुछ आपको इशू होता है तो मेरे बताइए, मैं उसको पूरी डिस्कशन के साथ क्लियर करूंगा कि क्या इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको हेल्प ऐसा कोई वीडियो बनाना हो कोई आपको, तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर लेते आऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, हम आपको लाइट को ऑफ करके दिखाते हैं ये कैसा लग रहा है, और जिसको हम सीधे चलते हैं आप दिखाएंगे कैसे ही लगेगा स्टेप बाय स्टेप्स, ताकि ब्लिंकिंग ना हो। तो देख रहे हो गाइस, मेरे जो पिक्सल में ब्लू ब्लिंक नहीं हो रही है और जिसकी जो HD डिजाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो सीधे चलते हैं अब हार्डवेयरिंग पार्ट, अब दिखाते हैं ये कैसा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम हार्डवेयरिंग पार्ट आ चुके हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कैसे इसकी स्ट्रिप लगेगा और कैसे इसकी कनेक्शन वायरिंग होगी। चलते हैं सीधे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे। जैसे कि मैंने स्ट्रिप काट ली है और जो कि ये रोल आती है 5 मीटर की, जैसे कि आप मार्केट में तो ये रोल मिलती है और जो जैसे मेरा वेबसाइट भी अवेलेबल है, ठीक है, ये 5 मीटर की रोल होती है। तो ऐसे मैंने सारे रोल को बारी बारी से 12-12 बल्ब की मैंने इसकी लाइनिंग पूरी काट ली हुई है। ऐसे मैंने 24 लाइन काटे हुए जो कि 12x24 का ये साइज है, ठीक है। उसमें हम यूज करेंगे हम वायरिंग के लिए, शॉर्टेज के लिए, इसको बोलते हैं फ्यूज वायर, ठीक है। फ्यूज वायर से क्या होता है कि आपकी जो वायरिंग है जल्दी होगी और फटाफट कनेक्टेड आप कर लोगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सीधे हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसकी स्ट्रिप चुकाएंगे, कैसे इसकी सोल्डेट करेंगे और कैसे इसकी सेफ्टी को ऑन करके दिखाएंगे। तो चलते हैं इसको स्टार्टअप, पहले लगाते हैं स्ट्रिप। तो जैसा कि देखिए, मेरी इनपुट यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और जो कि एस कनेक्शन मॉडल में ऐसे ऐसे करते जाऊँगा, क्योंकि इसमें मैंने एरो लगा दिया हुआ है और आपको यहाँ से एक नंबर स्टार्ट यहाँ से करना है और पूरी 24 लाइन ऐसे आके मेरी यहाँ पे एंड होगी। तो हम फर्स्ट का और लास्ट का पहले एक स्टेप लगा लेते हैं, उसके बाद फिर सारे लाइन लाइन डाइवर्स भरेंगे, ओके। तो ये स्ट्रिप देखो, ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ उसकी जो इन, आपको पूछते सर इसका इन कहाँ है आउट कहाँ है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं पास करके दिखाता हूँ। तो स्ट्रिप में तो यहाँ पे डेटा इन बीच में होती है और इनसे आउट, ठीक है, जहाँ पे DI मतलब जो आपकी एरो दिख रही हो ना, ये एरो डेटा यहाँ से ट्रांसफर कर रही है, ओके गाइस। तो वहाँ पे जो पहली लाइन मेरी आएगी ऐसे, ठीक है, तो यही मेरी सर्कल मैंने वो बना ली है और इस पे से स्टार्टअप करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे यहाँ से स्टार्टअप किया, यहाँ पे डेटा मुझे इन देना है और यहाँ पे आउट आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टिकर दी हुई है पीछे, ब्लू स्टिकर, तो हम इसको क्या करेंगे, तो लास्ट का भी फिलहाल मेरे को क्या आएगा, आउट ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी फटाफट लगाते हैं और दिखाते हैं कैसा ये लग के दिखेगा।
कि मैंने देखिए यहाँ लगाते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, बस मेरी इतनी लाइन बची हुई है। और जैसे कि लगाना ज़्यादा कस्टमर रहता है कि इसमें एरो दी हुई है, ठीक है, तो पूरी मैंने लाइन ये लगा चुकी यहाँ तक। मैं इतनी लाइन लगा के आपको फिर दिखाता हूँ क्लियर करके, फिर मैं उसी कनेक्शन वायरिंग करेंगे, ठीक है। ओके, जो होंगे डेटा अब उसको हम इस पर पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद इसको भी ज्वाइंट करेंगे। तो सारा मेरा कनेक्शन वायरिंग ओके हो चुका है, जो कि मैंने डेटा पॉजिटिव नेगेटिव सर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव सारे इसके ऐड कर लिए, सारे नेगेटिव ऐड कर लिए। अब उसको क्या करें, हम हल्के ग्लू गन उसको मार के उसको डिसेबल कर देंगे ताकि कोई वायरिंग इधर से उधर ना हो, और उसको हम टेस्ट पर देखते हैं कैसे ऑन करने में कैसे दिखता है, और उसका फिर हम उसको टेस्ट करेंगे अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। तो जैसे कि मैं ग्लू गन देख रहा हूँ ऑन है, उसको भी हम अब क्या करना है ग्लू गन में दिखाता हूँ कैसे उसको। मान लीजिए कि मेरी लगा वाली वायर है, आपको यहाँ पे वायर है, फिर हम हल्की ग्लू गन मार देंगे ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप्स का। इससे क्या होगा, मेरा वायर हिलेगा नहीं, ठीक है। सारे वायरिंग मार लेने, तो मैं सारे वायर को मार के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो जो मेरी ये नेगेटिव है, मैं नेगेटिव से नेगेटिव ऐड कर लूँगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ऐड करूँगा। तो सारे मेरे अभी लाइटिंग ऑन ही हुए, और एक कंट्रोलर रैम्बो कंट्रोलर इसको हम ऐड कर लेंगे। तो कंट्रोलर ऑन हो गया, पिक्सल ऑन हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
कोई ब्लिक की प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर चल रहा है।